बीकानेर में दो इंजीनियरिंग छात्रों के शवों को बाहर निकाल लिया गया, तीसरे शव की तलाश जारी। सेना के गोताखोर शव की तलाश में लगे। अजमेर के अरवड़ गांव में गंदा पानी पीने से एक महिला की मौत, 450 से ज्यादा लोग बीमार। पानी का सैंपल जांच के लिए भेजा गया, पानी की टंकी में कबूतर और बिल्ली मरे मिले थे। आज होगी वसुंधरा कैबिनेट की बैठक, सुबह 11:30 बजे होगी बैठक। सीएम राजे ने मंत्रिपरिषद की बैठक भी बुलाई। जयपुर की लेडी हार्ले राइडर वीनू पालेवाल की मौत, मध्य प्रदेश के विदिशा में सड़क हादसे में हुई मौत। भारत भ्रमण पर निकली थी वीनू। पांच लाख लीटर पानी लेकर सुबह 6 बजे लातूर पहुंची कोटा में बनी पहली वाटर एक्सप्रेस, शाम तक मिल पाएगा बूंद बूंद तरसते लोगों को पानी। जाट आरक्षण के दौरान हुए कथित गैंगरेप मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पहली बार हरियाणा सरकार ने माना, मुरथल में हुआ था रेप, 4 मई को होगी अगली सुनवाई। भिवंडी के पास भीषण आग, 150 लोगों के फंसे होने की आशंका, दीवार तोड़कर फंसे लोगों को निकाला जा रहा है बाहर। दो साल से सूखा झेल रहे देश को आसमान से खुशखबरी, स्काईमेट ने इस साल औसत से 35% ज्यादा बारिश की भविष्यवाणी की, मई आखिर तक केरल के तट पर दस्तक देगा मॉनसून। हॉलीवुड की 3D एडवेंचर फिल्म द जंगल बुक ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़े, फिल्म ने भारत में सिर्फ 2 दिन में 23 करोड़ रुपए कमाए। भारत के जंगलों में रहने वाले लड़के की कहानी है द जंगल बुक।